सूरज ले आप जल्दी चलिए मार लगाएंगे आइए सचिन सर क्या कहना चाहेंगे सचिन जी ने एक नया ओपनिंग किया है सचिन जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है न्यू ऑफिस के लिए और सचिन अच्छे डायरेक्टर हैं और मुझे लगता है यहाँ से अच्छा काम करेंगे और अच्छी चीजें देंगे लोगों को देखने के लिए फिल्में तो आगे चलकर आपका किस तरह से सहयोग रहेगा क्योंकि आप भी इसी बिजनेस में हैं तो किस तरह से सहयोग करने वाले हैं एज ए कंपनी तो हमारा हमेशा सपोर्ट रहता है अच्छी चीज़ों के लिए और अच्छी चीज़ अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली इनके साथ हमारा सपोर्ट है और ऐसे तो हमारे छोटे भाई हैं आजकल काफ़ी ये बात होती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सुधार आ रहा है बहुत ज़्यादा मतलब साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप काफ़ी तो इसके सपोर्ट में तो मैं पहले से ही रहा हूँ कि अच्छी फिल्में बने साफ सुथरे गाने बने और अगर अच्छा हो रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है बट हमें दिख तो नहीं रहा फिल्में अच्छी बन रही हैं बट रीजनल लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं छोटे छोटे लेबल्स जो काम कर रहे हैं जो गंदगी फैला रहे हैं एक्चुअली फिल्म वालों की तरफ आपका शायद क्वेश्चन फिल्मों की तरफ है बट फिल्म वालों ने कभी ये नहीं कोशिश की कि ज़्यादा गंदगी फैलाई जाए ये छोटे लेवल पे जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उन लोगों ने गंदगी ज़्यादा फैलाई हुई है तो आपसे प्रभावित आपकी सोच इतनी अच्छी है तो आपसे क्या लगता है प्रभावित क्यों अगर आप देखें तो एसआर के म्यूजिक की तरफ से शायद ही आपको अगर 90-100 सॉन्ग्स होंगे तो शायद उसमें से 10% कुछ ऐसा मिले क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम खुद नहीं देख पाते तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें आपको साफ सुथरी और अच्छी ही मिलेंगी उसमें सर ने सहयोग करने के लिए मतलब इतना वक्त निकाला कि क्या कहना चाहेंगे सर के लिए जो भी बोलूँ मैं कम है ये मेरी ऑफिस नहीं है समझ लीजिए एसआर के म्यूजिक ग्रुप की ऑफिस है ये और ये एसआर के म्यूजिक ग्रुप की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ बहुत सपोर्ट है इनका भैया का और भाभी का विजय और अखिलेश जी का ये लोग मेरे सब तहे दिल से मतलब आज जहाँ भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ आप सबका पूरा एसआर के ग्रुप है ये हमारा और ये ऑफिस भी एसआर के ग्रुप के नाम से ही है तो क्या कहना चाहेंगे जैसा कहा कि साफ सुथरी फिल्में या जो भी हैं तो आपका क्या आपकी क्या सोच है इस बारे में जी एक्चुअली देखिए मैं 2011 से ही ऑलरेडी लगा हूँ भोजपुरी बचाओ आंदोलन ये जो एल्बम बहुत बहुत सारी गंदगियाँ आ रही थी एल्बम में तो ऑलरेडी मैंने बहुत जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे यूपी में किया मैंने हर जिले में जा करके तो मैं उसके खिलाफ हमेशा से रहा हूँ और कहीं ना कहीं मतलब मैंने काफ़ी डीएम से लेटर जहाँ भी गया मैं तो सब लोगों ने सपोर्ट किया वहाँ की मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया तो आज की तारीख में बहुत ही अच्छी फिल्में आ रही हैं और जो भी सिंगर गाना गा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो अश्लीलता है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको बचाते हुए गा रहे हैं तो ये मुझे खुशी हो रही है कुछ हद तक रोक नहीं पा रहे हैं प्रोड्यूसर हैं और बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं तो वो मैटर काउंट नहीं लगे हैं तैयारी चल रही है दो दो प्रोजेक्ट हैं मेरे सुपरस्टार हैं और काफ़ी है उसमें मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा और एसआर के म्यूजिक ग्रुप से ही फिल्में कर रहा हूँ कंटिन्यू और स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है कास्टिंग चल रही है और उसकी शूटिंग जो है हम यूपी में करेंगे एक और मैटर तो आप जो म्यूजिक की कॉपी की जाती है उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं दिया किसी ने क्योंकि क्या हो जा रहा है लोग सिंगर्स एजुकेटेड नहीं हैं यूपी बिहार में तो स्टूडियो वालों ने उन लोगों को गाने गवाए हैं काफ़ी कॉपी करके लोग गाते हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जो स्टेप हमने इस वक्त उठाया है हमें रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है अभी भी की जा रही है जिसके लिए हमने काफ़ी स्टेप उठाया है इस वक्त हम लोग गवर्नमेंट की सपोर्ट ले रहे हैं इवन पुलिस प्रशासन की भी सपोर्ट ले रहे हैं जिसको हम रोकने की कोशिश करें क्योंकि हमें रोकने की कोशिश की जा रही है और इस वक्त जो लोकल लेवल पर कंपनियाँ हैं टीम फिल्म्स है या वेब हैं इन सबों ने मैसेजेस शुरू कर दिए हैं कि प्लीज़ कॉपी ना गाएँ ट्रैक पर ना गाएँ फ्रेश म्यूज़िक बनाएँ जो स्टेप हमने उठाया और उसको अब ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जितनी कंपनियाँ उस लेवल में सपोर्ट कर रही है बट कुछ लोग मुंबई में बैठे हैं जिन लोगों ने कोशिश की है कि एसआरके को रोका जाए तो इसलिए हमने वो सिवरा पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन की है और वहाँ से हम एफआईआर फाइल कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों को कैसे सामने लेकर आया जाए कि ये हैं कौन जिन्हें जो हमें हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं अभी नाम नहीं लूँगा कुछ लोगों का बट अभी पुलिस सपोर्ट कर रही है कम्प्लीटली अभी 2-3 दिनों पहले ही हमने किया है और वो साइबर क्राइम उसको ढूंढ रहा है कि कौन है ये बंदा ज़्यादा मैं कभी नहीं डरा हूँ कभी अपने लाइफ में किसी से नहीं डरता हूँ खाली ऊपर वाले से डरता हूँ और माता पिता से डरता हूँ अच्छा बाकी किसी से नहीं डरता हूँ मैं तो आप कलाकार के तौर पे क्या मर्यादा रखना चाहते हैं आप क्या आपके लिए पैसा ज़्यादा जरूरी है कला जरूरी है क्या जरूरी है आपके लिए दोनों भी जरूरी है लेकिन कल्चर को ध्यान में रखते हुए पैसे भी चाहिए और कल्चर को भी बचा के रखना है मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरे से ऐसा कोई गलती ना हो कि मेरे समाज पर मेरे गलत संदेश जाए और समाज के जितने भी अभी यूथ हैं जितने भी यंग लड़के हैं गंगेश से जितने भी हैं उनको बुरा असर न पड़े मेरे काम से इतना ध्यान रखूँगा तो
तो आप किस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं कलाकार के तौर पर अपने? एक्चुअली अभी तक आप देखेंगे कि मेरे जितने भी म्यूजिक वीडियो आए हैं अभी एसआर के म्यूजिक से, जितने भी वीडियोस है यूट्यूब पे अवेलेबल है, सबको अच्छा और अप्रिशिएट किया है लोगों ने। फतम रैप वगैरह जो मैं दे रहा हूँ काफ़ी यूथ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे, काफ़ी अच्छा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं उसे, और मैं इसको हमेशा चाहूँगा। जितने यूथ है सब एजुकेटेड है, सबको चाहिए बदलाव। और इंडस्ट्री में आप देखेंगे फिल्म तो थोड़ी बहुत होती है मसाला, लेकिन जो म्यूजिक वीडियो म्यूजिक एल्बम्स है जो लोकल यूपी बिहार में जो बनते हैं, लोकल ही गंदा किया हुआ है इंडस्ट्री को। बाकी फिल्म में तो हर जगह, चाहे हिंदी हो हॉलीवुड हो, मसाले तो रहते ही फिल्म में ताकि लोग देखें उसे। देखिए आज जो भी कुछ हूँ आप सबके दुआ से, आप सबके आशीर्वाद से मैंने बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग रहा है। और इस इंडस्ट्री में जो है आज 13 साल हो गए मुझे, तो 13 साल में आप ही लोगों को मैंने कमाया है और 2 फिल्में डायरेक्ट की है, फिर अभी तीसरी भी स्टार्ट हो गई है आप सबकी दुआ से। तो ये ऑफिस कहीं ना कहीं इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि यहाँ मैं एकेडमी भी खोलना चाह रहा हूँ। तो इस लेवल पे कि मतलब मैं कुछ अच्छे बच्चों को सिखा करके मैं एक नया अच्छा स्टार भी पैदा करूं। और हमारे साथ धर्मेश भैया भी आज 6-7 फिल्मों के ऐसे मेन लीड हीरो रहे हैं, तो इनका भी आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि भाई भी आए, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज बहुत खुश हूं मैं कि आज ऐसे लोग भी हमारे पास आ रहे हैं, हमने आप लोगों को कमाया है, तो कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज बड़ा दिन है सर के लिए और ओपनिंग हो रही है बस के, शादी जैसे बड़े स्टार आ रहे हैं, तो कितनी खुशी मिल रही है आपको? सबसे पहले मैं अपने ब्रदर सचिन यादव जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और इनकी जो लगन है इंडस्ट्री के प्रति, हम पिछले 6-7 साल से दूसरे को जानते हैं, अपने दम पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल है इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत से आज इस मुकाम पर पाया। आज इनका ऑफिस, खुद का ऑफिस चालू कर रहे हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में 20-25% लोग ऐसा कर पाते हैं। एज ए डायरेक्टर इन्होंने स्ट्रगल किया और 2 फिल्में अच्छी प्रोड्यूस किया इन्होंने, सॉरी डायरेक्शन किया, और आज इस मुकाम पे आए हैं कि खुद का ऑफिस बना के अपने आप को डेवलप किए हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि ईश्वर इन्हें इसी तरह कामयाब करे और इनके अंडर काम करके हम जैसे कलाकार बहुत से और हैं जिनका भविष्य है। मैं चाहता हूं कि कई कुछ ऐसे कलाकार इंडस्ट्री को दें जिनके पीछे इनका हाथ हो, इनकी मेहनत हो और उनका सहयोग हो, एक दूसरे का सहयोग से होता है। फिर से जाते थे, मैं इनको शुभकामना देता हूं, ऑल द बेस्ट सचिन भाई, और ईश्वर करे हम आप भी जल्दी एक दूसरे के साथ काम करें, ये शुभकामना के साथ। थैंक यू। तो सचिन जी, पूछना चाहूंगा जैसे कहा कि साथ प्रोजेक्ट्स में साथ हैं आपके सर, तो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके? अभी तो एक ओपन नहीं करूंगा, ऑलरेडी काम चल रहा है और बहुत लोगों को सबको पता भी है, तो अब स्टार्ट हो जाए सब सारी चीज़ें, तो मार्च के 1st वीक तक हम लोग शूट पे जाएंगे आउटडोर। फिर भी कुछ तो होगा आपके दिमाग में कि किस तरह की कहानी होगी फिल्म की? और हाँ, कहानी भी बहुत अच्छी बन रही है, लेडीज़ ओरिएंटल फिल्म है, और लेडीज़ ओरिएंटल में जो है बहुत अच्छी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, और बहुत ही जल्द आप लोगों को अनाउंस करने को आप सबको बुलाऊंगा, इन्वाइट करूँगा, तो बहुत ही जल्द मतलब 10 और 15 दिन के बीच में ही ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। और कास्ट के बारे में पूछना चाहूँगा कि किस कास्ट को करना चाहेंगे, कोई जाना पहचाना चेहरा है कि कोई नया चेहरा होगा फिल्म? नहीं नहीं, सब जाना पहचाना चेहरा है, सब स्टार कास्ट है, अच्छे स्टार कास्ट है, और अभी कोई भी चीज़ रिवील नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज अभी उस पर जो है अंडर टेबल हम काम कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से मेहनत हो रही है उसके ऊपर, स्टोरी पर काम चल रहा है, कास्टिंग पर काम चल रहा है, और आउटडोर लोकेशन पर काम चल रहा है कि हम कहाँ पर शूट करेंगे, यूपी में शूट करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी उसको मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, और जब तक चीज़ें सब कुछ फाइनलाइज ना हो जाएं तो फिर पहले बोल करके कोई चीज़ का मतलब नहीं होता है। आप ये जानना चाहूँगा सर, कैरियर के अंदर कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं अभी आप? फिलहाल इनके साथ तो अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, इनके साथ हमारी शुभकामनाएं फिलहाल, हो सकता है हम फ्यूचर में काम करेंगे बहुत जल्दी, अब चूँकि रिवील नहीं किया उन्होंने कुछ,
तो हो सकता है रिवील होने भी नाम मेरा भी जुड़ जाए यहाँ पे। और मेरी फिल्म अभी एक हिंदी फिल्म मैं कर रहा हूँ साजन का प्यार, और एक मेरी भोजपुरी फिल्म ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हुई है अभी, शूट करके आए औजार। अच्छा। और दो फिल्में हैं जो अनाम है अभी, जिसका नाम नहीं डिसाइड हुआ है, ऑलमोस्ट वर्किंग पे है सब। तो ये साजन का प्यार में लीड में है आप? जी लीड कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट हिंदी मूवी होगी ये। अच्छा, और कौन कौन है इस कलाकार इसमें आपके अलावा? अभी फीमेल फाइनल नहीं है उसके। और जो भोजपुरी फिल्म शूट कर रहे हैं उसके अंदर वो कौन सी फिल्म है? भोजपुरी फिल्म जो की है सर, अभी हमारा एक्शन पोर्शन हुआ है पूरा, तो डायरेक्टर साहब अभी दो तीन को सेलेक्ट करके रखे हैं, लेकिन जिस साथ शूट कर लिया जाए उसी को फाइनल किया जाए, किसी का नाम बोलना फिर बाद में उसको पता चला डायरेक्टर जी डिसलेक्ट कर दिया तो अच्छी बात है।